और इस वक्त जयपाल मजीद जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, क्या अपडेट इस मामले में इस वक्त मिल रहा है, क्या खबर, कोर्ट में किस तरह की पेशरफ्त रहने की उम्मीद? देखिए बिल्कुल, आज ज्ञानवापी प्रकरण में एक बड़ा दिन है और ऐसे में आज के दिन चार वादी महिलाओं जिसमें लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से एक याचिका जिला अदालत में लगाई गई है कि जो आदि विश्वेश्वर स्वयं भी ज्योतिर्लिंग का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट सिविल जस्टिस डिवीजन में चल रहा है, जिसमें विश्ववैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह बिछेन की तरफ याचिका लगाई गई थी, जिस पर लगातार सुनवाई भी हो रही है। और एक तरफ श्रृंगार गौरी का मामला 1991 से लेकर चल रहा है आज तक, इन सभी मामलों को एक साथ क्लब करके सुनने को लेकर आज याचिका दायर की गई है। और इस याचिका में ये कहा गया कि चूंकि सभी केस का नेचर एक है, इसलिए सभी को एक साथ सुना जाना चाहिए, इससे समय की बचत होगी और फैसले में जो देरी हो रही है उससे भी कहीं निजात देखना होगा। कि आज जिला अदालत ने आज की तारीख मुकर्रर की है, दोपहर 12 बजे से कहा जा रहा था जिला जज डॉक्टर ए के विश्वेश इस मामले की सुनवाई करेंगे। और उन्होंने ये कहा भी कि आज इत्मीनान से इस मामले को दोनों पक्षों को सुना जाएगा, दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। एक तरफ जहां विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस मामले को अलग सुना जाए, ये मामला जो है वो अलग है, जिसमें दैनिक पूजा पाठ की अनुमति मुस्लिमों के प्रवेश को वर्जित करने और पूरा परिसर बिल्कुल जयपाल कहा जा रहा है। दोनों फरीक अपना मौकफ रखते हुए नजर आएंगे। दूसरे फरीक की बात करें तो इस पूरे मामले पर क्या रद्देमल अब तक सामने आए हैं, किस तरह की तैयारी देख रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, दोनों पक्षों की अपनी अपनी तैयारी है, चाहे वो सनातन संघ की ओर से हो या फिर चार वादी महिलाओं की तरफ से हो, दोनों के अपने अपने जवाब है। एक का दावा है कि इसका जो नेचर है वो अलग है, दूसरे का दावा है कि श्रृंगार गौरी में भी नियमित पूजा अर्चना की मांग की गई है और शिवलिंग की पूजा अर्चना की मांग की गई है, इसलिए दोनों केसों को एक साथ सुनना चाहिए। लेकिन देखना होगा आज अदालत में जो बहस होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी और इसी पर सभी की निगाह है कि अदालत आज की बहस में क्या कुछ नया आदेश देती है। बिल्कुल जयपाल, और क्या वक्त मुकर्रर किया गया है, कब तक समाप्त की शुरुआत हो जाएगी, इस हवाले से क्या जानकारी? देखिए, पिछले तारीख को अदालत ने 12 वक्त मुकर्रर किया था और ये तय किया था कि 12 बजे से इस पूरे प्रक्रिया को सुना जाएगा। चूंकि लंबी बहस हो सकती है, ऐसे में अदालत के पास वक्त होना चाहिए, तो होगा कि क्या 12 बजे से सुनवाई होती है या फिर 2 बजे से होती है, क्योंकि अमूमन जो इस मामले की सुनवाई होती है वो दोपहर 2 बजे के बाद से होती है, कि लंच टाइम के बाद होता है, यानी उससे पहले जिला जज जो है बाकी अन्य मामलों को देखते हैं। लेकिन आज की जो वक्त है वो 12 बजे से मुकर्रर की गई। बिल्कुल, और इसके अलावा जयपाल ये भी कहा जा रहा है कि अगर आज दलीलें पूरी हो जाती है, अगर आज बहस पूरी हो जाती है तो कोर्ट इस पर अपना हुक्म भी सुना सकता है। बिल्कुल, दोनों पक्षों के जवाब को सुनने के बाद हो सकता है कि अदालत अपना फैसला सुरक्षित रख ले और कोई अन्य तारीख पर फैसले की जो तारीख है वो घोषित की जा सकती है, वो तारीख दी जा सकती है, ऐसी उम्मीद लोग जता रहे हैं। लेकिन जानकारों का मानना यह है कि हो सकता है कि एक दिन की और तारीख ली जाए, क्योंकि दोनों पक्षों के जो जवाब है उससे एक दिन का और वक्त लग सकता है जो के लिए, तो अदालत समय भी दे सकती है और फैसला सुरक्षित भी रखा जाए।